नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 13 फरवरी को सूर्य करेगा कुंभ राशि में प्रवेश। चारों तरफ से होगा धन लाभ। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का गोचरीय परिवर्तन 13 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार की रात में 6:28 बजे मकर राशि से कुंभ राशि में होने जा रहा है। सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य तकरीबन 1 महीने कुंभ राशि में ही रहेगा। सूर्य के राशि बदलने से राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। 1 महीने बाद सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में जाएगा। अब 14 मार्च तक सूर्य इसी राशि में रहने वाला है। इस वजह से कुंभ राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकते हैं। काम का ज्यादा करना होगा। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन काम आएगा। लाभ तो अवश्य होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश होने से किस तरह होगा चारों तरफ से धन लाभ, उसके बारे में सबसे पहला जानते हैं। माता पिता से संबंध मधुर रहेंगे। दिन अपने विरोधियों को आमंत्रित करने एवं अपने बुनियादी ढांचे और अपनी ताकत को दिखाने का एक ये सही दिन रहने वाले हैं। पारिवारिक वातावरण बहुत ही सुखद रहेगा। कोर्ट कचहरी व सरकारी कार्यालयों में अटके हुए काम आपके पूरे होंगे। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे होंगे। नए व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। करीबी लोगों की कोई बात आपको गलत लग सकती है। अचानक आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर परिवार के लोगों के साथ आप किसी धार्मिक समारोह में भाग ले सकते हैं। आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। आमदनी के अच्छे स्रोत हासिल हो सकते हैं। आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। कामकाज के सिलसिले में आप किसी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। आपकी लव लाइफ बेहतर रहने वाली है। पुराने किए गए निवेश का अच्छा फायदा मिलने वाला है। कार्यस्थल में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। निजी जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होगी। घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। शादीशुदा जिंदगी बेहतर व्यतीत होने वाली है। अविवाहित लोगों को विवाह का अच्छा रिश्ता मिल सकता है। संतान की तरफ से सभी चिंता दूर होगी। विद्यार्थी वर्ग के लोगों का मन पढ़ाई में लगेगा। शिक्षकों का पूरा सहयोग मिल सकता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी आय अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा नतीजा मिल सकता है। प्रेम जीवन में चल रही परेशानियों का समाधान हो सकता है। माता पिता की सेहत में सुधार आएगा। कामकाज के सिलसिले में आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कार्यस्थल में आपके कामकाज की सराहना होगी। बड़े अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कुंभ राशि की धन लाभ के बारे में। आप सेहत के मामले में खुद को पहले की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। जीवन साथी के साथ किसी विषय पर लंबी बातचीत होगी। आज किसी दोस्ती होगी जो लंबे समय तक चलेगी। ऑफिस के सारे जरूरी काम समय से पूरा करने में सफल होंगे। सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद करेंगे। आप अपने व्यवसाय में और पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसका लाभ आपको मिलेगा। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करें। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप किसी काम को लेकर पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। इस दौरान आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। किसी को पैसा उधार देने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। कोई आपके अच्छे विचारों का विरोध करेगा। आप परिवार वालों की मदद से कोई बड़ा फैसला लेंगे जो आगे चलकर सही साबित होगा। सेहत के प्रति थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। फास्ट फूड खाना अवॉइड करना चाहिए। श्री गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाइए। कार्यक्षेत्र में आ रही सभी संकटे समाप्त होगी। दोस्तों, धीमी शुरुआत के बावजूद कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार में विस्तार होगा। जीवन में धोखे आसानी से मिल जाते हैं पर मौके नहीं मिलते। समय का भरपूर लाभ लें। समय उत्तम है। सफलदायक समय चल रहा है।
संतान के कार्यों से मन दुखी होगा। यह दिन जरूरी कार्यों को पूरा करने में व्यस्त होगा। यात्रा भी हो सकती है, कारोबार में नए अवसर लाभ दिलवाएंगे। आपके निकटतम लोग ही नहीं जानते कि आप आगे बढ़े। सतर्क रहे और अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। भीतर घात वालों से सावधान रहे। कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति निर्मित होगी, आर्थिक मामले सुलझेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विद्युत उपकरण खरीदने के योग है, वाहन मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करें। राजकीय कार्यों में अवरोध आ सकता है, किसी के जवाब का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। नौकरी में बदलाव के योग है, तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थी सफल होंगे। दांतों में विकार की संभावना है, मेहनत के अनुकूल फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। अपने कामकाज के प्रति यह काफी गंभीर रहने वाले हैं। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आने के योग बन रहे हैं। आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। संतान की तरफ से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। घर परिवार में किसी सदस्य के साथ वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। दाम्पत्य जीवन मिला जुला रहने वाला है। कामकाज के सिलसिले में आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आप अपनी चीजों का ध्यान रखें। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा। आप अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप किसी नए कार्य की योजना भी बना सकते हैं जिसमें मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ सकती है। आपको कार्यस्थल में बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, इसलिए आप स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। दाम्पत्य जीवन कमजोर रहेगा, किसी भी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से बचे। घर परिवार के लोगों के बीच आपसी सहयोग बने रहेंगे। अचानक आपको दूरसंचार माध्यम से खुशखबर मिल सकती है, जिससे आप काफी खुश रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। मौसम में परिवर्तन होने की वजह से आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। बाहर के खानपान से परहेज करना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों को मिला जुला फायदा मिल सकता है। आने वाले दिनों में अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम रखनी होगी, अन्यथा आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती है। आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। आप अपने किसी करीबी से मन की बात शेयर कर सकते हैं। घर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न होने की संभावना बन रही है, इसलिए आप पारिवारिक मामलों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य कीजिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट होने की वजह से आप काफी परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। मानसिक तनाव की वजह से कामकाज में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की प्यार और संबंध राशिफल के बारे में। पिता या पिता के समान कोई व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा, इसलिए उनका हमेशा ध्यान रखें। एक लंबी दूरी की यात्रा आपके दिल के तारों को किसी खास के साथ जोड़ सकती है। पूरे जोश और उत्साह से अपने जीवन के इन क्षणों का स्वागत करें। आपकी स्पष्ट कल्पना, मेहनत और ऊर्जा के साथ मिलकर आपकी परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। रोमांटिक संबंधों में नई उत्तेजना और अवसरों का योग है। आप अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ कुछ यादगार पल बिता सकते हैं। अगर रिश्ते में कोई खटास है तो अपने रिश्ते में जबरदस्ती की जगह इसे कुछ समय दें। कोई रिश्ता अगर इस समय काम नहीं कर रहा है तो वो लाइलाज बीमारी की तरह है। ऐसे में इस रिश्ते से छुटकारा पाना ही अच्छा विकल्प है। आपका व्यक्तित्व और मानसिक शक्तियाँ आपके प्लस पॉइंट है। अचानक कोई दुख या झटका आपको विचलित कर सकता है। आपको कुछ ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है जो अनसुलझे और आपके लिए नए हैं। कुछ समय इंतजार करें और शांत रहें। आपके पार्टनर कुछ अलग व्यवहार कर सकता है और आपका रिश्ता कुछ अलग मोड़ ले ले सकता है। कुछ यादगार और रंगीन पलों के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, आखिरी में बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आप बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद लें।
आपकी सेहत ठीक रहेगी, मगर हो सकता है आप थोड़ी सी परेशानी या तनाव भरे काम में थोड़े व्यस्त हो जाए। आप अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि तनाव कम होगा और तनाव कम रहने से सेहत अच्छी रहेगी। अच्छी नींद लें ताकि कल सुबह आप ताजा महसूस करें। तो दोस्तों, इस तरह से 13 फरवरी को सूर्य करेगा कुंभ राशि में प्रवेश और इसी के चलते कुंभ राशि वालों को चारों तरफ से होगा धन लाभ। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।